हमको पता है और हमको पता है और हम पिछले साल आज ही हमारे किसी साथी ने सितंबर महीने का एक मेरा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया जिसमें मैंने उनको बताया है कि नीतीश कुमार भाजपा छोड़ भाग के जाने ही वाले हैं, आज जाएं या कल जाएं तो यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाने का उपाय करते हैं। खैर उससे कोई वो बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है, उसका इतना ही असर है कि पदयात्रा आपके यहाँ जो 31 को जानी थी वो शायद 2-4 दिन आगे पीछे हो सकती है, ताकि जितने सामाजिक राजनीतिक लोग हैं उनके मन में भी एक स्थिरता रहे कि किस व्यवस्था में हम लोग काम कर रहे हैं, कि भाई चुनाव 2 महीने के बाद है कि चुनाव अपने समय पर होगा, ये महागठबंधन में है कि भाजपा में है। तो नीतीश कुमार का एक बड़ा योगदान है कि वो वहां से पलट जाते हैं, बाकी 13 करोड़ जनता को अपने हिसाब से पलटना पड़ता है कि भाई अब नीतीश कुमार, अब मान लीजिए भाजपा के जितने हमारे मुसलमान भाई लोग हैं, नीतीश कुमार अभी भाजपा में थे तो उसको गाली दे रहे थे, फिर वो आगे महागठबंधन में तो सबको पलट के इधर आना पड़ा, अब फिर पलट के भाजपा में चला गया तो फिर सारा मुसलमान अब फिर गड़बड़ा जाएगा, अरे भाई तो फिर वही धोखा दे दिया। अब मुसलमान अकेले नहीं है, व्यवस्था सब पर लागू होती। अभी आप भाजपा के सपोर्टर कार्यकर्ता थे तो आप नीतीश कुमार को गरिया रहे थे, अब वो आ गया आपके पास। नीतीश कुमार का बड़ा योगदान है, उसने पूरे बिहार को पलटी मार बना दिया। लोग कहता है नीतीश कुमार पलटू मार, हम कह रहे भाई पूरे बिहारे को पलटी मार बना दिया है, वो तो अपने स्वेच्छा से पलटी मार रहे हैं, बाकी लोगों तो मजबूरी है करेंगे क्या। जिस तेजस्वी यादव को आप शराब और स्मैक की बात कर रहे हैं, 1 साल तक तेजस्वी यादव को 1.5 साल तक बिहार में शराब का अवैध कारोबार दिख रहा था, नीतीश कुमार के लोग उसमें शामिल दिख रहे थे। जिस दिन नीतीश जी पलटी मारे तो पूरा RJD भी पलटी मार दिया, तो कहता ना शराबबंदी तो ठीक ही है, गांधी जी ऐसा ही चाहते थे। अभी भाजपा वाला गाली दे रहा था शराब के लिए, अभी देखिए कल से उसको शराबबंदी में गांधीवाद दिखने लगेगा। तो पूरे बिहार को ये अफसोस की बात है, पूरे बिहार को हम लोग को हंसी का पात्र बना दिया है यार।